नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। বেকার ছেলে মেয়েদের চাকরি নেই, চাকরির নামে ঘুষ, দুর্নীতি, সজল শোষণ চলছে। একে সামনে রেখে 11ই ফেব্রুয়ারি নবান্ন অভিযান, আর সেই নবান্ন অভিযানকে সামনে রেখে কুলটির বেকার ছেলেদেরকে কুলটিতে কাজ দেওয়া, স্কুলের ফিস মুকুব করা, বিদ্যুতের দাম লকডাউনে মুকুব করা, সবাইকে ডিজিটাল রেশন কার্ড দেওয়া, সাথে কুলটিতে অসামাজিক কাজকর্ম বাড়ছে, এই সব দাবিকে নিয়ে দুদিন ব্যাপী ডিওয়াইফাই এসএফআই কুলটি লোকাল কমিটি এলাকায় ঘুরবে, হাঁটবে, রাতে রাস্তাতেই থাকবে এবং আগামীকাল সমাবেশ করে সাধারণ মানুষকে এই তৃণমূলের সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় দেওয়া এবং বিজেপিকে, দাঙ্গাবাজদের পার্টিকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ঠাঁই হতে দেবে না, সেই দাবিতেই আমাদের দুদিনের হুঙ্কার র্যালি। এই হুঙ্কার সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, এই হুঙ্কার সমাজ অপরাধী এবং তৃণমূল এবং বিজেপি গভর্নমেন্টের, যে গভর্নমেন্ট যুবদের বিরুদ্ধে, ছাত্রদের বিরুদ্ধে চলছে, তাদেরকে হুঙ্কার দিতেই এই যাচ্ছে। लॉकडाउन के समय से अभी तक फीस लिया जा रहा, लेकिन पढ़ाई जो है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे हो रही है, तो वो जो है उसका फीस गरीबों के लिए माफ किया जाए। तीसरा चीज है ये बड़ाकर और कुमंडी या कुटी में जो हेल्थ सेंटर पड़ते हैं, ये हेल्थ सेंटर में सुचारू रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, डॉक्टर रहे, नर्स रहे, आ रहे, ताकि चिकित्सा बढ़िया से हो सके। तीसरा जो हम लोग का दावी है कि ये जो कुटी में जो पानी के लिए जो 3000 रुपया लिया गया, ये किसके जेब में, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जो लिया है उसको जवाब देना पड़ेगा। चौथा दावी जो हम लोग का है, ये जो इलेक्ट्रिक बिल है, पूरे देश में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, राज्य में क्यों लिया जाता है, उसको कम करना पड़ेगा। और राज्य सरकार जो है इसको चरणबद्ध बने, महीना के बिल महीने में हो, ताकि हम लोग का बिल बढ़े नहीं। और जो अंतिम दावी हम लोग का है कि जो कुलटी में पूरा ये ड्रग्स जो पूरा बढ़ गया है, ये ड्रग्स को प्रशासन को रुकना पड़ेगा। प्रशासन को हम लोग अगली बार चेतावनी दे चुके हैं, प्रशासन को हम लोग डेपुटेशन दे चुके हैं, फिर हम लोग अपील लेकर के जाएंगे कि ड्रग्स बंद हो और लोकल कल कारखानों में लोकल युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। इस तमाम सारी बातें लेकर के हम लोग सड़कों पर। अपना परिचय बोलिए। मैं विनोद सिंह, DYFI का जिला उपाध्यक्ष और कुलटी आंचलिक कमेटी का।